डियर फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बायो एजुकेटर्स में। आज हम बात करेंगे फाइलम सीलेंटेटा के अंतर्गत आने वाले कुछ स्पेसिमेंस की। ये हमारा आज का जो सेशन है वो प्रैक्टिकल सेशन है। इससे पहले हम प्रैक्टिकल सेशन में फाइलम प्रोटोजोआ और पोरिफेरा के बारे में, जो उनके स्पेसिमेंस हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग सीलेंटेटा फाइलम में आने वाले कुछ इंपॉर्टेंट स्पेसिमेंस के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले जो फाइलम सीलेंटेटा में जो इम्पोर्टेंट एक स्पेसिमेन है वो ओबेलिया है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ओबेलिया एक कॉलोनियल जो है सीलेंट्रेट है। इसे हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो इसमें फाइलम सीलेंटेटा क्लास इसका जो हाइड्रोजोआ है, और जो इसका जो ऑर्डर है वो हाइड्रोइडिया है, और जीनस ओबेलिया, और स्पेसीज जो इसकी है वो जनरली जो हम लोग पढ़ते हैं वो जेनिकुलेटा स्पेसीज है। इसके इम्पोर्टेंट करेक्टर्स की बात करें तो ओबेलिया इज कॉमनली कॉल्ड एज सीफर। ये बहुत इंपॉर्टेंट करेक्टर है। ओबेलिया को जनरली जो है कॉमन नेम से हम जो सीफर कॉमन नेम से जानते हैं। यह एक सीडेंटरी मेराइन कॉलोनियल फॉर्म होती है। ये मतलब उनमें मूवमेंट इनमें नहीं पाया जाता है, और ये किसी सबस्ट्रेटम की सहायता से जो है किसी आधार से चिपके हुए रहते हैं। इट इज ट्राइमॉर्फिक कॉलोनी। जैसा कि हमने बताया था कि ओबेलिया जो है एक इसमें बहुरूपता पाई जाती है, पॉलीमॉर्फिज्म पाई जाती है, और इसका जो बेसल हॉरिजॉन्टल पोर्शन है उसको हम हाइड्रोराइजा कहते हैं, और उस हाइड्रोराइजा की सहायता से ही ये किसी सबस्ट्रेटम से जो है चिपके हुए रहते हैं। इट गिव्स अप वर्टिकल ब्रांचेज कॉल्ड हाइड्रोकोलस। इसकी जो वर्टिकल जो ब्रांचेज होती हैं उसको हम हाइड्रो कॉलस के नाम से जानते हैं, और जो हॉरिजॉन्टल जो भाग है जो सबस्ट्रेटम से चिपका हुआ रहता है उसको हम हाइड्रोराइजा के नाम से जानते हैं। जो ट्राइमॉर्फिक कॉलोनी है इसमें तीन प्रकार के जो है ज्यूट्स पाए जाते हैं। पहला जो है पॉलिप्स है जिसको हम हाइड्रेंथ के नाम से भी जानते हैं, दूसरा जो गोनेंजियम है जिसको हम ब्लास्टोस्टाइल के नाम से भी जानते हैं, और तीसरे प्रकार के जो ज्यूट्स हैं उनको हम मेडूसा कहते हैं, जो कि इसके सेक्सुअल ज्यूट्स कहलाते हैं। पॉलिप जो हैं वो न्यूट्रिटिव जॉइंट्स हैं, इनकी सहायता से ये पोषण प्रदान करते हैं ओबेलिया कॉलोनी को। इट इज बेल शेप्ड। ये जो है घंटी के आकार के होते हैं, मेड अप ऑफ लोअर हाइड्रोथीका एंड अपर हाइपोस्टोम विच कैरीज नेमेटोसिस्ट। ब्लास्टोस्टाइल इज द क्लब शेप्ड रिप्रोडक्टिव जॉइंट्स। ब्लास्टोस्टाइल्स जो हैं उनका काम जो है रिप्रोडक्शन करना होता है, और इनकी जो कवरिंग होती है उसको हम गोनोथीका के नाम से जानते हैं। मेडुसी जो जॉइंट है वो एक फ्री स्विमिंग रिप्रोडक्टिव जॉइंट कंसिस्टिंग ऑफ अपर एक्स अम्ब्रेलर एंड लोअर सब अम्ब्रेलर साइड्स। जो मेडुसी जो जॉइंट्स होती हैं उसमें दो प्रकार की साइड्स होती हैं, जो अपर साइड है उसको हम एक्स अम्ब्रेलर साइड कहते हैं, जबकि जो लोअर जो साइड है उसको हम सब अम्ब्रेलर साइड्स कहते हैं। एक्स अम्ब्रेलर साइड जो है वो कॉन्वेक्स इन शेप होती है, और जबकि जो सब अम्ब्रेलर साइड है वो कॉनकेव इन शेप होती है। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करें तो इट रिप्रोड्यूस बाई ए सेक्सुअल एज वेल एज सेक्सुअल मेथड। इसमें दोनों प्रकार से जो है प्रजनन होता है, लैंगिक और अलैंगिक विधियों से। लाइफ हिस्ट्री ऑफ ओबेलिया एग्जिबिट्स अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। इसकी जो लाइफ हिस्ट्री है उसमें ओबेलिया जो है उसमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन या पीढ़ियों का एकांतरण पाया जाता है, अर्थात सेक्सुअल फेज के बाद ए सेक्सुअल फेज आती है, और ए सेक्सुअल फेज के बाद फिर से जो है सेक्सुअल फेज आ जाती है। इस प्रकार से ए सेक्सुअल फेज और सेक्सुअल फेज एक दूसरे को रिप्लेस करती रहती हैं, और इस प्रकार से ये जो है अपना जो है इसकी लाइफ साइकिल चलती रहती है। आइडेंटिफाइंग करेक्टर्स की हम बात करें तो देखिए अल्टरनेट ब्रांचेज ऑफ पॉलिप्स एंड ब्लास्टोस्टाइल इसमें पाई जाती हैं, तो इसके लिए ये जो ओबेलिया के ही जो है एक लक्षण है, तो आइडेंटिफाइंग करेक्टर इसका यही है। देखिए सेकेंड स्पेसीमैन की बात करें तो सेकेंड स्पेसीमैन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, फाइसिलिया है। इसको हम पुर्तगीज मैन ऑफ वार के नाम से भी जानते हैं। इसे क्लासिफिकेशन की बात करें तो देखिए फाइलम सीलेंटेटा क्लास हाइड्रोजोआ, ऑर्डर जो है साइप्नोफोरा, जीनस इसकी जो फाइसिलिया है, और स्पीसीज जो है इसको हमको ज़्यादा इसके बारे में ज्ञान नहीं है, तो इसको स्पीसीज को हम SP लिखकर यहाँ पर ऐसे ही इसको छोड़ देंगे। अगर इसके जनरल करेक्टर की बात करें तो फाइसिलिया जो है एक कॉलोनियल हाइड्रोइड है जिसको हम कॉमनली पुर्तगीज मैन ऑफ वार के नाम से जानते हैं। कॉलोनी कंसिस्ट ऑफ लार्ज गैस फिल्ड न्यूमेटोफोर और फ्लोट विच इज ब्राइट ब्लू इन कलर। न्यूमेटोफोर कंटेन्स गैस ग्लैंड। न्यूमेटोफोर में जो है गैस ग्लैंड पाई जाती हैं, और बीनीथ द फ्लोट थ्री मेन टाइप्स ऑफ ज्यूट्स हैंग डाउन।
जो फ्लोट है उसके नीचे तीन प्रकार के जो है जूट्स पाए जाते हैं, जैसे गैस्ट्रो जूट्स जैसे अभी हमने बात की थी, ये न्यूट्रिटिव जॉइट्स होते हैं, इनमें माउथ होता है और लेकिन टेंटिकल्स इसमें अब्सेंट होते हैं। डक्टाइलो जूट्स, दीज हेल्प टू कैप्चर द प्रे फॉर फूड। एक्चुअली ये जो डक्टाइलो जूट्स जो हैं वो फूड को कैच करने में मदद करते हैं। दे हैव न्यूमरस निमेटोसिस्ट बियरिंग टेंटिकल्स, इनमें बहुत सारे जो है निमेटोसिस्ट पाए जाते हैं। टेंटिकल्स इनमें बहुत अधिक पाए जाते हैं, इन पर बहुत सारे निमेटोसिस्ट उपस्थित होते हैं। तीसरे प्रकार के जो जूट्स हैं वो गोनोजूट्स हैं, जिनको हम रिप्रोडक्टिव जूट्स के नाम से भी जानते हैं, है ना। इसमें जो है मेल और फीमेल मेडूसी के जो क्लस्टर्स होते हैं वो होते हैं। टेंटिकल्स आर लार्ज एंड बियर स्टिंगिंग बैटरीज और निमेटोसिस्ट टू किल फिशेस। इनके जो टेंटिकल्स होते हैं उन पर काफ़ी संख्या में जो है निमेटोसिस्ट पाए जाते हैं, जो कि जनरली जो है जो इनके जो प्रीडेटर्स होते हैं उनको मारने के काम आते हैं। दी मेम्बर्स ऑफ फाइसिलिया कॉलोनी शो डिवीजन ऑफ लेबर। फाइसिलिया में जो मेम्बर्स होते हैं, फाइसिलिया कॉलोनी में जो मेम्बर्स होते हैं जनरली उनमें श्रम विभाजन पाया जाता है। आइडेंटिफाइंग करेक्टर्स की हम बात करें तो इसमें देखिए, इसका जो आइडेंटिफाइंग करेक्टर्स है वो न्यूमेटोफोर्स, प्रेजेंस ऑफ न्यूमेटोफोर्स है, और हैंगिंग गैस्ट्रोजुइट्स, टेंटिकल्स एंड गोनोजुइट्स, इन सब की प्रेजेंस होने से ये जो स्पेसीमैन है वो फाइसिलिया है। अगर देखिए हम नेक्स्ट स्पेसीमैन की बात करें तो ये ऑरिडिया का स्पेसीमैन है, और इसका क्लासिफिकेशन देखिए, फाइलम सिलेंटेटा, क्लास साइफोजोआ, ऑर्डर सीमियोस्टोमी, जीनस ऑरिलिया, और स्पेसीज जनरली जो किताबों में लिखी हुई है वो, या हम लोग जो स्टडी करते हैं वो ऑरिटा स्पेसीज है। इसके हम जनरल करेक्टर्स की बात करें तो ऑरिलिया को हम कॉमनली जेली फिश के नाम से जानते हैं, ये एक सॉलिटरी है और मेराइन इन फॉर्म होती है। बॉडी इसकी जो है वो ट्रांसपेरेंट होती है, ब्लूइश वाइट इन कलर, ऐसा कलर जो है वो नीला सफ़ेद कलर का होता है। इनर ऑर्गन्स आर विजिबल फ्रॉम बॉडी सरफेस, ये इतनी ट्रांसपेरेंट होती है कि इसके आप जो इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स हैं उसको आप एक्सटर्नली जो है देख सकते हैं। सर्कुलर बॉडी हैविंग कॉन्वेक्स एवरल सरफेस, इसकी बॉडी सर्कुलर होती है और जो एवरल सरफेस है उसको हम एक्स अम्ब्रेलर सरफेस के नाम से भी जानते हैं, जो कि कॉन्वेक्स इन शेप होती है, और जो कॉनकेव जो ओरल साइड है उसको हम सब अम्ब्रेलर सरफेस के नाम से जानते हैं। फोर रेड और पर्पल हॉट शू शेप्ड गोनेट्स आर विजिबल फ्रॉम एवरल सरफेस, इसकी एवरल सरफेस पर जो है हॉट शू शेप के जो है गोनेट्स पाए जाते हैं, जिनकी संख्या चार होती है। माउथ इज फोर कॉर्नर्ड, ईच कॉर्नर कंटिन्यूज इन टू फोर लॉन्ग एंड नैरो ओरल लोब्स, माउथ में जो है चार ओरल लोब्स पाई जाती हैं। सब अम्ब्रेलर मार्जिन्स कंटेन मार्जिनल टेंटिकल्स हैविंग स्टिंगिंग सेल्स एंड एट मार्जिनल लैपिड्स हैविंग सेंस ऑर्गन कॉल्ड टेंटोक्लोसाइट्स। अगर हम इसका फिगर को देखें तो आप इसमें देख सकते हैं कि अम्ब्रेलर सरफेस है और नीचे जो है वो सब अम्ब्रेलर सरफेस है, और इससे नीचे देखिए सब अम्ब्रेलर सरफेस से ही मार्जिनल टेंटिकल्स निकले हुए रहते हैं। जेलीफिश इज ए कार्निवोरस, जेलीफिश जो है कार्निवोरस इन नेचर होती है, फीडिंग ऑन जो कि छोटे छोटे जो स्मॉल एनिमल्स होते हैं जैसे मोलस्कन, क्रस्टेशियंस, प्रोटोजोन्स और निमेटोड्स आदि को ये अपने भोजन के रूप में उपयोग में लाते हैं। ऑरेलिया जो है डायोसियस है, इसका मतलब ये है कि इसमें मेल और फीमेल इंडिविजुअल्स जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, अर्थात इसको हम यूनिसेक्सुअल एनिमल भी कह सकते हैं। लाइफ साइकिल जो है सो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, इसकी लाइफ साइकिल में भी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है, अर्थात सेक्सुअल फेज के बाद ए सेक्सुअल फेज आता है और ए सेक्सुअल फेज के बाद फिर से सेक्सुअल फेज आता है, मतलब अलैंगिक प्रवस्था के बाद लैंगिक प्रवस्था और फिर उसके बाद फिर अलैंगिक प्रवस्था आती है, अर्थात जो डिफरेंट टाइप के जो इनके सेक्सुअल और एसेक्सुअल फेज हैं उनमें जो है अल्टरनेशन चलता रहता है, एकांतरण चलता रहता है। आइडेंटिफाइंग करेक्टर्स की इसकी बात करें तो देखिए, जेली लाइक टेक्सचर, मार्जिनल टेंटिकल्स एंड ओरल आर्म्स, इन तीनों के होने से ही ये जो है फाइसिलिया स्पेसीमैन है। देखिए चौथे स्पेसीमैन की अगर हम बात करें तो ये गॉर्गोनिया है, गॉर्गोनिया का क्लासिफिकेशन भी आप देख सकते हैं कि फाइलम सिलेंटेटा है, क्लास एंथोजोआ, ऑर्डर गॉर्गोनेसिया, जीनस गॉर्गोनिया, और स्पेसीज हमको इसकी स्पेसीज के बारे में नॉलेज नहीं है, ये बहुत सारी इसकी स्पेसीज हैं लेकिन एक पर्टिकुलर स्पेसीज जो है हम लोग जो है इसके बारे में हमको ज्ञान अभी तक नहीं है कि कौन सी जो स्पेसीज हम लोग
किताबों में जो इसके बारे में जो है प्रेस्क्राइब नहीं किया गया है। देखिए जनरल करेक्टर्स की बात करें तो गॉर्गोनिया इज कॉमनली नोन एज सी फैन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं कि जनरली जितने भी हम लोग स्पेसिमेन पढ़ते हैं उनको कॉमनली किसी अदर नेम से भी जाना जाता है, तो आप सब लोगों को ये सब जो कॉमनली जो कॉमन इनके नेम्स हैं उनके बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए। कि गॉर्गोनिया को यहाँ पर हम जो है देखिए सी फैन के नाम से जानते हैं, जबकि जो ओबेलिया था उसको हम सीफर के नाम से जानते थे, तो ये थोड़ा कन्फ्यूजन इसमें हो सकता है, तो इसको आप थोड़ा ध्यान से इसको नोट करेंगे। इट इनहेबिट्स सेलो ट्रॉपिकल सीज, ये जो है जो छिछले जो समुद्र होते हैं उनमें छिछले समुद्रों के पानी में ये पाया जाता है। इट फॉर्म्स ब्रांचिंग कॉलोनीज ऑफ येलो एंड रेड कलर ग्रोइंग अप टू 50 सेंटीमीटर हाइट। इसकी जो कॉलोनीज होती हैं वो शाखित होती हैं, और ये कॉलोनी जो है वो जनरली पीले और लाल रंग की होती हैं जिनकी ऊंचाई लगभग 50 सेंटीमीटर तक हो सकती है। बॉडी कंसिस्ट ऑफ प्लांट लाइक ब्रांचिंग स्टेम्स, इसकी बॉडी में जैसे जो जनरली जो पेड़ पौधे होते हैं जैसे उनमें ब्रांचेज होती हैं, उसी प्रकार की ब्रांचेज इसकी बॉडी में देखने को मिलती हैं। इसमें एक शॉर्ट मेन ट्रंक होता है जो अटैच टू द सबस्टेटम बाई ए पेडल डिस्क। पेडल डिस्क की सहायता से ये जो है इनमें जो उनका जो जो ट्रंक होता है ट्रंक पार्ट होता है बॉडी का वो सबस्टेटम से पेडल डिस्क की सहायता से चिपका हुआ रहता है। न्यूमरस स्मॉल एंथोकोडिया जिनको रिट्रेक्टाइल पॉलिप के नाम से भी जानते हैं आर प्रेजेंट इन रोज ऑन आइदर साइड ऑफ स्टेम्स और ऑफ ब्रांचेज। इसके जो स्टेम्स होते हैं उसके जो दोनों साइड में एंथोकोडिया पाए जाते हैं। स्केलेटन कंसिस्ट ऑफ एन एक्सियल रॉड्स प्रेजेंट थ्रू आउट द बॉडी। इसका जो स्केलेटन होता है उसमें एक्सियल रॉड पाई जाती है जो कि थ्रू आउट द बॉडी इनकी पूरी बॉडी लेंथ में ये पाई जाती है। इट इज मेड अप ऑफ गोरगोनिन, यह एक गोरगोनिन पदार्थ की बनी होती है। इट कंटेन्स न्यूमरस स्पीक्यूल्स इन द मीजोगिलिया। मीजोगिलिया रीजन में इनके जो मीजोगिलिया जो लेयर होती है उसमें बहुत सारे जो स्पीक्यूल्स पाए जाते हैं। इनके देखिए सेक्सेस जो होते हैं वो भी सेपरेट होते हैं, अर्थात ये भी जो है यूनिसेक्सुअल या एकलिंगी जीव हैं। आइडेंटिफाइंग करेक्टर्स की बात करें तो इसकी बॉडी जो है फैन शेप्ड होती है, सो इसीलिए ये गॉर्गोनिया का स्पेसिमेन है। तो आज हमने सीलन टेटा में चार स्पेसिमेन की बात की है। चारों स्पेसिमेन के हमने क्लासिफिकेशन उनके फिगर और उनके कुछ जो इम्पोर्टेंट कमेंट्स हैं हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं। आप इनको सबको अपनी जो जैसे मैंने बताया था पहले भी आपको प्रोटोजोआ और पॉलीपेरा वाले सेक्शन में जैसे आप उनको ड्रॉ कर रहे हैं इनको भी आप जो है साइमल्टेनियसली ड्रॉ करते रहें। धीरे धीरे हम सारे फाइलम आपके सामने लेकर आएंगे। अभी हमने तीन फाइलम यहाँ डिस्कस कर ली हैं, इसके बाद प्लेटीहेलमिंथेस, एस्केलमिंथेस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का के बाद काइमेट्रोमेटा और देन हेमिकोडेटा, इन सारे फाइलम को हम लोगों को अभी स्टडी करना है। तो धीरे धीरे करके हम सारे जो है सारे फाइलम्स के वीडियोज हम आपके सामने लाएंगे जिसमें इम्पोर्टेंट स्पेसिमेन को हम डिस्क्राइब करेंगे। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही है। आप हमारे वीडियोज़ को देखते रहें, लाइक करते रहें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करते रहें, और अपनी फाइल को जैसे हमने जो पहले वीडियो में बताया था हाउ टू मेक प्रैक्टिकल फाइल, उसी के अनुसार आप अपने जो प्रैक्टिकल्स को फाइल में लिखना स्टार्ट कर दें, और जो भी हमने वहाँ इंस्ट्रक्शन दिए थे उन सारे इंस्ट्रक्शन को आप फॉलो करते रहें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।